नमस्कार दोस्तों, जब भी आपको एटीएम कार्ड मिलता है और आप इसका पिन बना के यूज में लेते हो तो ये बात तो आप लोगों को पहले से पता है कि इसका एनुअली मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक से कट हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि कितना कटता है और ये कब कटता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम एनुअली मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो सभी एटीएम कार्ड का अलग अलग होता है। अभी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्ड मिला है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना है कि आपको कौन सा मिला है और उसका मेंटेनेंस चार्ज कितना कट होता है आपके अकाउंट से। तो आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो, ₹125 प्लस GST, इसके बाद से ₹175 प्लस GST, ₹250 प्लस GST, इसके बाद से ₹350 प्लस GST मेंटेनेंस चार्ज SBI कट करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है आपके अकाउंट से किस महीने में कट हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपके एटीएम कार्ड के 1 साल कंप्लीट होते हैं और दूसरी साल स्टार्ट होती है, तो जैसे ही दूसरी साल स्टार्ट होती है उसके पहले ही महीने में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक से कट हो जाता है और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। आपका एटीएम कार्ड किस डेट को या किस मंथ में इशू हुआ है, इससे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप यूज में ले रहे हो और जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है और दूसरा साल स्टार्ट होता है, तो जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होगा उसके पहले ही महीने में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक से कट हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया था, इसके बाद से मुझे एटीएम कार्ड फर्स्ट टाइम में फ्री में मिला था। इसके बाद से मैंने इसको 1 साल तक कंटिन्यू यूज में ले रहा हूँ। इसके बाद से जैसे ही मेरा दूसरा साल स्टार्ट हुआ था तो पहले ही महीने में मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक से ₹125 प्लस GST, मतलब ₹147 कट हो चुके थे। आप यहां पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अब कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स हो सकते हैं कि हमारे अकाउंट में तो 0 बैलेंस है तो ये चार्ज कैसे काटेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप बैलेंस डालोगे अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक से कट हो जाएगा। इस बात को आपको खास करके ध्यान में रख लेना है।